हेलो गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। शादी नहीं हो रही, चपरासी की नौकरी ही दिला दीजिए, जनता दर्शन में सीएम योगी से बोला फरियादी। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या आप लोग कभी जनता दर्शन में गए हैं, जनता दर्शन कार्यक्रम में गए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने वहां पर अपनी क्या फरियाद के बारे में एक्चुअली में बताया है। तो ये जो पूरा मामला है ये एक्चुअली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है, और उसी दौरान ही जो जनता दर्शन कार्यक्रम है ये वहां पर पहुंचे और वहां पर काफी सारे लोगों के फरियादियों की जो है फरियाद सुनी। ये जो है गोरखपुर में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, और वहां पर पहुंचने के बाद काफी सारे लोगों की बातें सुन रहे थे। और इस कार्यक्रम में जो है लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बताते हैं, और जब उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी हो, जिस तरीके से सॉल्व करनी हो, यहाँ पर कार्यक्रम में उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और या तो उनकी प्रॉब्लम्स जो है प्रॉपरली उनकी प्रॉब्लम्स जो है उसकी समस्या भी की जाती है। इस गोरखपुर में जो एक्चुअली में योगी आदित्यनाथ गए थे, तब वहां पर एक फरियादी पहुंचा, एक आदमी पहुंचा, जहां पर उसकी बात ये थी कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, आप मुझे एक नौकरी ही दिला दीजिए, और नौकरी क्या, आप मुझे चपरासी की ही नौकरी दिला दीजिए, उतना ही काफी होगा। इसके बाद वहां पर सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा हंसने लग गए, और योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही उस शख्स को देखा, ध्यान से देखा, तब वो उस शख्स को पहचान गए। उस शख्स को पहचानने के बाद उन्होंने ये बात बोली कि तुम पहले भी आ चुके हो ना, पहले भी तुम मुझसे बात कर चुके हो, पिछली बार तुमने टिकट मांगी थी किसी चीज की, और अब तुम मुझसे नौकरी मांग रहे हो और शादी की ये बात कर रहे हो कि आपकी शादी नहीं हो रही है। पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको आखिरकार चाहिए क्या, टिकट चाहिए, शादी करवानी चाहिए, या आपको नौकरी चाहिए। इसी दौरान ही वहां पर लोग जिस तरीके से शख्स ने, फरियादी ने अपनी फरियाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इनका रिप्लाई भी दिया। और उसी दौरान ही इस कार्यक्रम में जो है उन्होंने ये भी सबको आश्वासन दिया कि अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं इलाज करवाने के, और वो इलाज करवा रहा है, तब आपके पास पैसे नहीं वहां पर भुगतान करने के, तो वहां पर आप मुख्यालय जाइए, वहां पर आप अपना बिल दिखाइए, तो वहां पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, और कोई भी आदमी बिना इलाज के नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।